subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप की लुपिन कंपनी द्वारा आज सभी देशवासियों के लिए कोरोना वायरस की रोकथाम कैसे हो, क्या करें क्या न करें, उसके उपरांत आज उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष आग्रह किया गया है, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट केसी शर्मा व साथ ही साथ एडमिन हेड अनिल वर्गीस व एचआर हेड अजय भंडारी द्वारा व साथ ही साथ संगीता चौधरी व अखिल अरविंद व समस्त स्टाफगण साथ में रहे मौजूद। देखें पूरी खबर तहलका इंडिया न्यूज भोपाल पर। सर, एक छोटा सा सवाल था, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का असर दिख भी रहा है और आगे स्थितियां और खराब होने की स्थिति में आ रही है, इस बात को लेकर लुपिन कंपनी हमेशा तत्पर रही है और दवाइयों का कुछ मेडिसिन का भी यहाँ पे उपयोग अच्छे तरीके से होता है, इसमें कंपनी के द्वारा क्या व्यवस्थाएं हो रही है और आप पूरे देश के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से इस बीमारी से, इस महामारी से बचाव हो सके, एक आपके अंदाज में। जैसा आपने सही कहा कि जो भी बीमारियां होती है उसका सबसे ज़्यादा नॉलेज जो होती है या तो डॉक्टर को होगा, नर्सेज को होगा या दवाई बनाने वाले को होगा, और दवाई बनाने में एक विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि दवाई उसके द्वारा ली जाती है जो संक्रमित होते हैं। तो जो सामान्य तरीके से भी जब हम दवाई बनाते हैं तो हमारा ये प्रयास रहता है कि इसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जिसको हम GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बोलते हैं और ये कानून की दृष्टि से भी हर एक फार्मा कंपनी में लागू करना पड़ता है, तो उसमें हर कर्मचारी, भले वो कंपनी का कर्मचारी हो या ठेका कर्मचारी हो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उसको पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, जब वो दवाई उत्पादन क्षेत्र में जाता है तो उसको किस तरह से सैनिटाइजिंग एजेंट यूज करना है, कैसे उसके गाउनिंग प्रोसीजर जिस तरीके का होना चाहिए कि अपनी बॉडी से दवाई के ऊपर वो संक्रमित ना हो, तो ये प्रयास हमारा एज ए मैन्युफैक्चरिंग पद्धति का पार्ट है। वर्तमान परिस्थितियों में हमने जो एडिशनल काम किया है, ये हो सकता है कि कर्मचारी कहीं बाहर घूम रहे हैं या किसी कारण से संक्रमित हुए हैं, तो सबसे पहला जो हमने चेक पॉइंट डाला है कि जब वो यहाँ आएगा तो उसका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, और थर्मल स्क्रीनिंग में अगर उसका टेम्परेचर 99 डिग्री फॉरेनहाइट से अगर ज़्यादा है तो उसको हमारे यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है उसको वहाँ भेजा जाता है वहाँ पे, और उसकी सुव्यवस्थित तरीके से जो स्टैंडर्ड थर्मामीटर होता है, क्योंकि थर्मल सेंसिंग में हो सकता है थोड़ी एरर हो या, तो उसके बाद हम उसको डिस्पेंसरी में ले जाके उसका पुनः जाँच की जाती है। प्रतिदिन लगभग 10 से 12 ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पर थर्मामीटर से जब चेक करते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने का कारण होता है बस में आ रहे हैं, सनलाइट है, ये भी एक कारण हो सकता है, तो उसमें इंश्योर करने के बाद कि उसका टेम्परेचर सामान्य है तो हम उसको काम पर जाने देते हैं, अगर सामान्य नहीं है या उसको बुखार रियल में आ ही रहा है तो उसको वापस घर जाने के लिए बोलते हैं। सिमिलरली जो एक सामान्य बीमारी जिसको कहते हैं हमारे कॉमन डिजीज जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, उससे संक्रमित कोई अगर कर्मचारी है जिसको खांसी है, कफ है, स्नीजिंग है, मतलब उसको छींक आ रही है, उसको हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखी कि ऐसे लोग घर से ना आए, और अगर घर से आते भी हैं तो सिक्योरिटी चेक में उनको हटा दिया जाता है या उनके साथी कार्यक्षेत्र से पुनः उनको घर पर भेज दिया जाता है, और उनसे ये कहा जाता है कि जब आप स्वस्थ हो जाएँ उसके बाद सबसे पहले आप डिस्पेंसरी में डॉक्टर के पास रिपोर्ट करें, डॉक्टर आपको चेक करेगा और आप अगर सही हैं तो काम पर भेजा जाएगा। दूसरा चेक हमने ये डाला कि जो आदमी 2 या 3 दिन के अंतराल से कंपनी में आता है उसको डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, और HR उसकी लिस्ट हमारे डॉक्टर के पास भेजता है, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, तो ये एक चेक हो गया हमारा। दूसरा चेक होता है कि हर कर्मचारी को सैनिटाइजिंग एजेंट से अपने हाथ की सफाई करना है। तीसरा चेक है कि जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग, जब बस में आ रहा है तो हमने बस में नंबर ऑफ पैसेंजर्स की ट्रेवल संख्या कम कर दी है, ताकि 50 कर्मचारियों के लिए जो बस है उसमें 20 से 25 कर्मचारी आए, नंबर वन। नंबर टू, जब कैंटीन में वो नाश्ता या खाने के लिए जाता है तो वहाँ पर सीटिंग की व्यवस्था ऐसी की गई है कि एक टेबल पर 2 से ज़्यादा ना हो, और वो भी डायगोनली बैठते हैं,
खाने का समय हमने बढ़ा दिया है ताकि उस ड्यूरेशन में कम से कम लोग पहुंचे, जितनी सीटिंग अरेंजमेंट है उससे कम लोग वहां पहुंचे, तो ये एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया है। तो ये तीन तरह के मेजर्स हमारे फार्मा कंपनी में, जहां भी वॉश बेसिन होगा वहां पे हमेशा रनिंग में गर्म पानी और साबुन होना अति आवश्यक है, भले ही वो रिसेप्शन एरिया हो या कॉन्ट्रेक्चुअल के वर्कशॉप का टॉयलेट हो, ये हमारी एक आवश्यकता, मिनिमम आवश्यकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ के काम करने वाले हर कर्मचारियों को ये एक मिनिमम आवश्यकता का ज्ञान है, नॉलेज है, इसलिए हमारे यहाँ काम करने वाले आदमी पैनिक अवस्था में नहीं आते हैं। फिर भी वर्तमान परिस्थिति में ऐसा होता है कि उसके घर के आदमी, पड़ोस में, जिनको इतनी जानकारी नहीं होती है, तो वो उनको ये राय देते हैं कि यार तुम मत जाओ, तुम्हारे जाने से हम संक्रमित हो जाएंगे। तो कभी कभी हमारे कर्मचारी, या मैं भी हुआ, तो मेरे को भी मोहल्ले में अगर बोलते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई हमारे सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम सावधानी से रहेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज हैं तो हम घर पे नहीं बैठ सकते हैं। कल अगर डॉक्टर और नर्स ने अगर हॉस्पिटल में ताला लगा के घर पे बैठने लग गए तो कहाँ जाएंगे मरीज। तो एसेंशियल सर्विस में, कल दूध वाला दूध नहीं देगा, राशन वाला राशन नहीं देगा, सब्जी वाला सब्जी नहीं देगा। तो ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें ज्ञान के साथ अपने आप का पूरा बचाव करते हुए और सामने वाले को भी बचाव की राय देते हुए हम समाज को इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। और अभी जो एक आइसोलेशन की बात कही है, जिन लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमने कंपनी में भी वो डिपार्टमेंट जो या तो घर से काम कर सकते हैं या जिनके आने से ज़्यादा फर्क नहीं आने से फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों को हमने बोला कि आप घर पर रहें या अल्टरनेट डे आएँ। इस तरह से नंबर ऑफ एम्प्लॉय को भी हमने कम कर दिया है। पहले कुछ कर्मचारी कुछ चल के आते थे या हमारे ठेका कर्मचारी अपने अपने घरों से आते हैं, तो उनके घरों तक हमने वाहन की व्यवस्था की है ताकि उनको चलना ना पड़े, प्रशासन को उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो प्रशासन के पास भी हमने परमिट ले रखे हैं, हर आदमी के कौन आएगा उसके साथ उसके नाम और एम्प्लॉय नंबर के साथ उसकी परमिशन ली हुई है, और लगातार प्रशासन हमें इसमें सहयोग कर रहा है। उनको भी ये मालूम है कि जो होम मिनिस्ट्री से सर्कुलर है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि सवाल खाली अभी कोरोना का नहीं है, कोरोना ख़त्म होने के बाद भी महामारी फैल सकती है। इस वजह से गवर्नमेंट का फोकस होता है कि सभी दवाई कर्मचारी या दवाई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक बना के रखें, ताकि इस तरह की महामारी अगर फैलती है, कोई बैक्टीरिया जनित महामारी फैलती है। हमारे यहाँ दो तरह की दवाई बनती है, एक हृदय रोग के लिए होती है जो एसेंशियल है, हमेशा आपको लेना पड़ता है, दूसरी होती है एंटीबायोटिक कैटेगरी, जिसमें आपका कोई इन्फेक्शन अगर होता है या आपका कोई ऑपरेशन होता है या आपका कफ एंड कोल्ड होता है, उसके लिए दी जाती है। तो इन दवाइयों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित गवर्नमेंट कर रही है ताकि हमें उसमें दिक्कत ना हो। सर, एक छोटा सा सवाल ये भी आता है कि जिस तरह पूरे देश में अभी बस वो सेकंड स्टेप चल रही है, थर्ड स्टेप भी सामने आ रही है, इसके बाद क्या वैकल्पिक, देशवासियों को क्या वैकल्पिक सुविधाएं करनी चाहिए, क्या उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए, इस स्तर पर क्या देखना चाहिए? जितनी जानकारी मुझे है और आप सबने भी देखा होगा कि इस रोग में कैजुअलिटी या जिसको कहते हैं कि जिसकी डेथ हो जाए या मृत्यु हो जाए, ऐसे केसेस 5% मैक्सिमम है, 3 से 5%, यानी 100 आदमी अगर संक्रमित होंगे तो उसमें से 3 या 5, वो 3 या 5% कौन से होंगे, जिनको पहले से बीमारी है, जिनको पहले से डायबिटिक है, हार्ट की बीमारी है या एज ज़्यादा है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। आज की परिस्थितियों में वायरस जो होता है सबसे पहले कफ लाता है, आपने जैसे पढ़ा भी होगा। आदमी अगर विटामिन सी का प्रयोग करें, फ्रेश वेजिटेबल का उपयोग करें, गर्म पानी का उपयोग करें, तो उसके अंदर इस तरह का कफ जमने की संभावना नहीं रहेगी। एक घरेलू बहुत सिंपल सा उपाय है कि घर पे गर्म पानी में नमक डाल के सुबह और शाम आप गरारा करें, तो किसी भी तरह का कभी भी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन जब होता है तो तुरंत शरीर में प्रवेश नहीं करता है, वो नाक मुंह के माध्यम से 2 या 3 दिन तक मुंह में रहता है, उसके बाद गले में पहुंचता है, उसके बाद फेफड़े में पहुंचता है। अगर आदमी जागरूक है तो वो फेफड़े तक जब पहुंचता है तब वो घातक होता है, उससे पहले तक आदमी मैनेज कर सकता है। इसके बाद सर, जो कंपनी के एम्प्लॉयर्स हैं जिन्हें आपके कंपनी द्वारा घर पर रहने की सलाह दी जा रही है, क्या गवर्नमेंट के अनुसार जो घर पर रहेंगे उनकी सैलरी को भी कहीं ना कहीं तो ध्यान में रखते हुए कट नहीं किया जा रहा, उसमें लुपिन कंपनी कहाँ तक जा सकती है? हमारा ये मानना है लुपिन यहाँ के कर्मचारियों को कभी भी कर्मचारी नहीं समझते हैं, हम ये समझते हैं कि लुपिन की प्रोग्रेस में वो हमारे पार्टनर हैं। तो
आज की बात ना करें हम और पीछे इतिहास भी उठा के देखें, कभी भी कुछ हुआ है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आदमी को उसके भरण पोषण की पूरी संभावना होना चाहिए। जब नोटबंदी हुई थी तो लुपिन के किसी कर्मचारी को तकलीफ नहीं हुई, क्यों? कि हमने रेगुलेशन के हिसाब से उसके खाते में पहले से पैसे जमा करके रखे थे ताकि उसको दिक्कत ना हो। अभी की समस्या, अभी का जहाँ तक सवाल है, किसी भी कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि वेतन काटने से वो और आदमी कमजोर हो जाएगा। मैं आपको और बताऊं, हम वेतन नहीं काट रहे हैं परंतु प्रोत्साहन रूप से उनको और ज़्यादा तनख्वाह देंगे ताकि जो मानसिक तनाव और मेंटल डिससेटिस्फेक्शन उनके मन में आया है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है और मैनेजमेंट हमारी बात से सहमत है और हम उनको और एडिशनल पैसा देंगे ताकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, अपने आप में किसी तरह की कमजोरी महसूस ना करें। तहलका इंडिया न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मौजूद है लुपिन कंपनी में, जहां पर हम यहां पर सतर्कता देखने आए हैं कि यहां के जो एम्प्लॉयर, जो अधिकारी है, किस तरह से यहां पर सतर्कता बरते हुए है। हम यहीं पे बात करते हैं अनिल वर्गीस जी से, जो यहां के वरिष्ठ अधिकारी भी है। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि यहाँ की कंपनी के एम्प्लॉयर द्वारा क्या व्यवस्थाएं हैं और देश हित के जनहित में इनका क्या संदेश जाता है। मानना है कि हमें अगर साफ सफाई सब जगह से रखें, आज देखा जाए तो क्या बैक्टीरिया जो होता है वो हमने साफ सफाई नहीं मेंटेन करते उससे भी ज़्यादा होता है ना। तो कोरोना जो वायरस है, बेसिकली हम गलती से हाथ में कुछ किसी मिलाया या पास गए तो आँखों से या मुँह में हाथ लगाने से जिसे अंदर जाती है, पर इसमें मरण बहुत कम होता है बिकॉज इसका दवाई है अभी आज जो इंडिया में चल रही है। और जिस हिसाब से मोदी जी ने पूरे लॉकआउट किया, इससे ज़रूर इसमें कमियाँ आ जाएगी जो, और जो साइकिल है कोरोना ब्रेक करने उसमें बहुत मदद करेगी। हम दवाई कंपनी में तो हमारे जो कर्मचारी उनके लिए बहुत व्यवस्था किया है। बसों में भी हम यात्राएँ जितने लोग चाहिए उससे कम करते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा जैसे गेट में आते हैं आपका भी हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर, तो जितने एम्प्लॉई है सबके हैंड सैनिटाइजर किया। हम इनफैक्ट ये भी सोच रहे हैं कि कर्मचारी को भी एक एक बॉटल घर के लिए हैंड सैनिटाइजर वो भी हम देने की अभी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो अपने और अपने परिवार का भी ख्याल रखे। तो हमने इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ के ख्याल रखे हैं कि इवन प्रशासन जो है गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं दवाई बनाने में, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो खासकर प्रेस वाले भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और देश में यही है कि हम अगर सब ने अपना अपना ध्यान रखा, सफाई में, हाथ धोने में और संपर्क में थोड़ा दूरी रखे, मेरे हिसाब से ये बीमारी का जो बढ़ना है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और हमें इसमें जीत जरूर मिलेगी। सर आपका शुभ नाम? शुभ नाम है अजय भंडारी। किस पोस्ट पर है? सर जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, आपकी कंपनी में भी कई एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी सेफ्टी की दृष्टिता में क्या क्या विकल्प चल रहे हैं और आगे क्या विकल्प बन रहे हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि कल ये कोरोना के वायरस में आपको क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, साफ सफाई रखना है, उसी का अनुपालन आप लोग घर पे करें। और उसी प्रकार हमने कंपनी में इन चीज़ों पर ध्यान दिया है एम्प्लॉयज़ के लिए, हाइजीन के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, क्योंकि ये दवाई कंपनी है, हम लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग बहुत ध्यान से फॉलो कर रहे हैं। और कंपनी GMP ओरिएंटेड कंपनी है, हम लोग विदेश में भी माल भेजते हैं, तो हम लोग का जो लेवल है सेफ्टी है। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस आपत्ति जो ये चल रही है, जो पीड़ा है देश में, इससे बचने के लिए कोई सुझाव आपके लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि सब अपना पेशेंस एंड परसिवरेंस रखें, मतलब घबराएं नहीं और अपने को साफ रखें, स्वस्थ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और बाहर न निकलें।